नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 5.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर एक्सरसाइज है, दैट इज मैच द एपी इज गिवन इन कॉलम में। आप देख सकते हैं कॉलम ए में A1, A2, A3, A4, आपको 4 एपीज गिवन है विद द सुइटेबल कॉमन डिफरेंस गिवन इन द कॉलम बी। अब यहां पर आपको 6 ऑप्शंस गिवन है, कितने ऑप्शंस गिवन है 6। आपको इन सभी एपीज का क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और वो किसके साथ मैच कर रहा है ये आपको देख। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? ठीक है, जैसे यहां देखो अब क्वेश्चन में कहा है सारी एपीज है, तो फर्स्ट में तो बहुत सिंपल है देखना, माइनस टू क्या आएगा, माइनस फोर। तो मैं बोलू ए वन के साथ जो मैच करेगा वो क्या करेगा, बी फोर। ठीक है, ए टू में आपको फर्स्ट टर्म गिवन है -18 और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 10 और आपको कहा गया ए एन इक्वल टू 0। तो अगर ए एन इक्वल टू 0 है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आपको ए की वैल्यू कितनी गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज -18। तो आपने लिखा -18 प्लस एन की वैल्यू क्या है 10, तो 10 माइनस वन क्या हो जाएगा 9d इक्वल टू 0 होगा। तो 9d इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 और d इक्वल टू क्या आ गया 2। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, अब d इक्वल टू 2 का मतलब a2 की मैचिंग किसके साथ हो रही है, b5 के साथ। फिर समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद पार्ट थर्ड पे आ जाओ। जो पार्ट थर्ड है आपका, इसमें आपको a गिवन है 0 और ए टेन गिवन है 6। अब मुझे बताओ अगर ए टेन 6 है तो ए प्लस 9d क्या होगा 6। अब ए की वैल्यू क्या है 0, तो आपने लिखा 0 प्लस 9d इक्वल टू 6। तो मैं बोलू 9d इक्वल टू 6/9, दैट इज 2/3। तो 2/3 कौन सा ऑप्शन है, b1। तो a3 के साथ क्या आ गया आपका, b1। ये क्लियर हो गया, a3 के साथ क्या हो गया, b1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपको a2 गिवन है 13, तो a2 का मतलब क्या होगा a प्लस डी इक्वल टू 13। a4 का मतलब क्या होगा a प्लस 3d इक्वल टू 3। ये क्लियर है? ठीक है, जब सॉल्व करोगे माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, -3d प्लस d कितना हो जाएगा -2d और 13 - 3 कितना हो जाएगा 10, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। तो a4 के साथ क्या आएगा आपका b2। कोई डाउट है तो बताओ। पहला क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, तो ये इसकी प्रेजेंटेशन थी फर्स्ट क्वेश्चन की। ए वन की बनना है आपको, ठीक है, आपने कॉमन डिफरेंस निकाला और किससे मैच कर रहा है आपका, बी फोर के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो ए टू की वैल्यू थी वहां से ए एन इक्वल टू 0 था, तो ए एन को आपने लिखा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0, यहां से डी आ गया 2। ये किसके साथ मैच कर रहा है, बी फाइव के साथ। ये भी क्लियर हो गया। फिर जो आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको ए 0 की बना और ए 10 6 की बना। ए 10 से आपने लिखा ए प्लस 9d और इसकी वैल्यू लिखी 6, यहां से डी की वैल्यू 2/3 आ गई। ये किसके साथ मैच कर रहा है, बी 1 के साथ। और इसके बाद फोर्थ पार्ट में आपका क्या था, आपको ए 2 और ए 4 की वैल्यू की बनती, इसको सॉल्व करके आपने डी की वैल्यू निकाली -5, ये मैच कर रहा है बी 2 के साथ। ये क्लियर हो गया सारी चीजें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरीफाई दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी एंड दैट राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो पहले तो आपको चेक करना है, चेक करने का मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको बतानी है। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका, जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें जो गिवन एपी है, देखो क्या है आपका 0, 1/4, 1/2, 3/4, कितनी टर्म्स गिवन है 4, कितनी टर्म्स गिवन है 4। तो हमने क्या किया, देखो ये हो गया ए वन, ये हो गया ए टू, ये ए थ्री, ए फोर, क्लियर है? आपने फाइंड किया ए टू माइनस ए वन। अब सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं मैं वो करूंगा भाई, ए टू माइनस ए वन, 1/4 को 0 से -0 करोगे 1/4 ही आएगा ना, ये क्लियर है? ठीक है, फिर आपने फाइंड किया ए थ्री माइनस ए टू, तो इसमें आपने फाइंड किया 1/2 माइनस 1/4, उसको सॉल्व करके क्या आएगा 1/4। फिर आपने फाइंड किया ए फोर माइनस ए थ्री, तो 3/4 माइनस 1/2, ये भी आपका 1/4 ही आ रहा है। अब सभी जगह पे अगर कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ ये एपी है, ये क्या है हमारा एपी। ये क्लियर हो गया? अगर वो एपी है तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी ये आपसे पूछा गया है। तो कैन आई से दैट, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, ए फोर के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ए फाइव, ए वन प्लस 4d। ए वन यहां पर आपका 0 है,
4 डी आपका, अभी आपने देखा सभी केसेस में 1/4 आ रहा है, 4 से 4 कैंसिल, तो a5 1 होगा। a6 क्या होगा आपका, a1 + 5d, तो a1 की वैल्यू क्या है 0, +5 × d, d की जगह 1/4, तो ये हो गया 5/4। फिर आपका आ गया a7, a1 + 6d, इसको सॉल्व करोगे 3/2, ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ पार्ट 2। पार्ट 2 में आप देखो जो आपकी गिवन एपी है वो क्या है, 5 14/3, 13/3/4, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या ये चीज समझ में आ रही है, मैं बोल सकता हूँ ये a1 है, a2, a3, a4। अगेन आपने क्या फाइंड किया, a2 - a1, तो 14/3 - 5 क्या आ गया, -1/3। कैसे आया आप देख सकते हो, 3 LCM आ गया, 3 5 जा क्या हो जाएगा 15, तो होगा -1/3। फिर आपने फाइंड किया a3 - a2, दैट इज 13/3 - 14/3, तो जब आप एलसीएम लोगे 3 आएगा ना, तो ये हो जाएगा 13 - 14, तो -1/3 तो आएगा ये भी, ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर आप फाइंड करोगे तो क्या आएगा, a4 - a3, a4 क्या है आपका 4 - 13/3, ये क्लियर हो गया, 4 - 13/3, तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 4 - 13/3। अब इसका एलसीएम क्या आएगा आपका, 3 3 4 का क्या होगा 12, 12 - 13 क्या हो जाएगा -1/3, पहले बताओ ये क्लियर। तो कैन आई से दैट अगेन a2 - a1 = a3 - a2 = a4 - a3, है ये एपी? अगर ये एपी है तो क्या फाइंड करना है आपको, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब यही हुआ ना, a5 हो गया a1 + 4d, फर्स्ट टर्म जो एपी में गिवन है आपकी वो 5 है, d आपने अभी फाइंड किया सभी का कितना आया था -1/3, जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 ± क्या होगा -4/3, 5 3 जा क्या होगा 15, 15 - 4 होगा 11/3। फिर a6, a6 क्या होगा a1 + 5d, a1 की वैल्यू अगेन क्या है 5, d की जगह क्या आएगा -1/3, +- होगा -5/3, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, 15 - 5 10/3, ये भी क्लियर। फिर आपका a7, a1 + 6d, अगेन a1 की वैल्यू क्या 5, वो d की जगह आएगा -1/3, 3 2 जा 6, तो 5 - 2 कितना होगा 3, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, योर नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 3, √3 a1, 2√3 a2, 3√3 a3, a2 - a1, मैं बोल सकता हूँ 2√3 - √3, √3 आएगा कॉमन डिफरेंस। फिर a3 - a2, मैं बोल सकता हूँ 3√3 - 2√3, कितना आएगा √3 आएगा। तो कहने से तो नेक्स्ट टर्म होगी वो सीधा, अब आपको थोड़ा आइडिया मिल ही रहा होगा, 4√3 होगी, 5√3 होगी, 6√3, बिकॉज कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है √3 का, √3 √3 ऐड करते जाओ, इसमें √3 ऐड करोगे तो 3√3 में 1√3 जोड़ दोगे 4√3, इसमें 1√3 ऐड करोगे 5√3, इसमें ऐड करोगे 6√3, ये तो हो गया इसका कंसेप्ट। प्रेजेंटेशन में आपको दिखा देता हूँ, बोलो जी क्लियर है यहाँ पर, कि जो भी आपका a2 - a1 है ये भी √3, a3 - a2, तो आपने कहा ये एपी है, पहले इस तरह से शो करोगे, फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स में क्या करोगे, लिखने का भी वही रहेगा, जब a4 3 टर्म्स की बना तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी a4, दैट इज a1 + 3d, फिर क्या निकालोगे a5, दैट इज a1 + 4d, और फिर a6, ये क्लियर हो गया। फोर्थ वाला पार्ट है थोड़ा ट्रिकी, और मैंने कहा जो ट्रिकी वाले पार्ट है पहले मैं आप ही से करवा के देखूंगा, पहले आप ट्राई करो फोर्थ वाला। तो देखो फोर्थ पार्ट क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है a+b, सेकेंड टर्म क्या है विद इन ब्रैकेट a+1 + b, ये पूरा आपका a2 है और ये पूरा आपका a3 है, तो बेसिकली इसमें आपको 3 टर्म्स की बन, अभी ap है कि नहीं इसके लिए मैंने पहले भी पता, कम से कम आपके पास 3 टर्म्स होनी चाहिए। अब अगर आपका a2 - a1 और a3 - a2 इक्वल आ रहा तब तो आप कहोगे ये ap है, और फिर आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स आप निकालोगे, तो क्या आपको ये चीज क्लियर होगी कि ये आपका a1 है, ये आपका a2 है और ये a3 है। आपने फाइंड किया होगा a2 - a1, तो ध्यान से देखो ये आपका a2 है, आपने इस पूरी टर्म से आपने इस a1 को क्या कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा, ये क्लियर हो गया। तो ये आपका पूरा a2 है, तो ये आपका हो गया a1 + 1 + b, ये पूरा आपने लिखा a2, ये क्लियर हो गया, इसमें से आपने माइनस कर दिया a1, तो जब आप इसको सॉल्व करो देखो ब्रैकेट को ओपन करोगे तो a+1 हो जाएगा, प्लस में क्या हो गया आपका b, फिर माइनस a, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस b, a और प्लस a और माइनस a कैंसिल, प्लस b और माइनस b कैंसिल, तो आपका a2 - a1 तो आ रहा है 1, ये क्लियर हो गया, a2 - a1 क्या आ रहा है आपका 1,
उसके बाद देखो a3 - a2, ये आपका a3 है, a+1 + b+1 -a2, ये आपका a3 है और ये आपका a2 है, ये आपका क्या है a2, तो a2 में क्या आएगा विद इन ब्रैकेट a+1 + b, तो ये आपका a2 हो, ये क्लियर हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल हैव, ये हो जाएगा a+1 + b और +1, ये क्लियर हो गया। फिर -a -1 और +, ये भी क्या हो जाएगा -b, ये क्लियर हो गया। अब कैंसिल करोगे देखो, +a - a कैंसिल हो जाएगा, +b - b कैंसिल हो जाएगा और +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखो, +a - a ये कैंसिल, +b - b कैंसिल और +1 - 1 कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या ये 1। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है, ठीक है, तो आप कहोगे इट इज एन a3। अब आपको a4 फाइंड करना है, a4 a1 + 3d, a1 जो है आपका वो a+b है और d आपका 1 है, तो मैं लिखूं इसको a+b+3। a5 a1 + 4d, अगेन a1 क्या है आपका a+b, +4d की जगह क्या आ जाएगा 1, तो ये हो गया a+b+4। a6 a1 + 5d, a1 की जगह क्या हो जाएगा a+b, +5d की जगह क्या हो जाएगा 1, तो ये होगा a+b+5। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कितने स्टूडेंट्स का ठीक था ये बताओ। गुड, पार्ट फिफ्थ देखो। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी ए, सेकेंड टर्म क्या है आपकी 2a+1, थर्ड टर्म क्या है 3a+2 और फोर्थ टर्म क्या आपका 4a+3, ये क्लियर है, ठीक है। तो अगेन सेम क्राइटेरिया, दीज आर द फोर टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड a2 - a1, a2 - a1 आपको सीधे समझ में आ रहा होगा, 2a - a करोगे तो 1 ही बचेगा, 2a - a मतलब a+1 बचेगा। कैसे देखो, 2a+1 - a, तो 2a - a और a+1 हो गया, ये क्लियर हो गया। फिर आप फाइंड करोगे a3 - a2, तो 3a+2 - हो जाएगा आपका 2a और माइनस क्या हो जाएगा आपका 1, ये क्लियर हो गया। तो 3a - 2a क्या हो जाएगा a और 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये भी आपका a+1 आ रहा है। फिर आपको फाइंड करना है a4 - a3, तो 4a+3, जब मैं पूछूंगा ना मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, फिर से पूरा एक्टिव होकर सुनना सारी चीजें, 4a+3 और इसमें से माइनस क्या हो जाएगा आपका 3a+2, ये क्लियर हो गया। देखो 4a - 3 ये क्या हो जाएगा a और 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, सभी का कॉमन डिफरेंस सेम, ठीक है, और फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ पर a ही है, तो आपको फोर टर्म्स ही बनती है। अब आपको क्या निकालना है, a5, a5 का मतलब क्या a+4d, ये होगा डी आपका सभी केसेस में क्या आया था a+1, तो कहने के था 4a+a, ये तो हो गया 5a और 4 * 1 = 4, तो हो गया 5a+4। a6 a+5d, a आपका यहाँ पर यही है, फर्स्ट टर्म आपका यही है, 5d और d की जगह क्या आ जाएगा यही a+1, तो 5a+a कितना हो जाएगा 6a+5। फिर आपको फाइंड करना है a7, दैट इज a+16, a+6 d की जगह क्या आ जाएगा a+1, तो 6a+a कितना हो जाएगा 7a+6 * 1 क्या हो जाएगा 6, ये क्लियर हो गया। मैं दोबारा बोलूं, क्लियर है अब तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन ए एंड डी आर आल्सो, आपको ए और डी गिवन है, तो देखो a1 तो आपका ए ही होगा, ठीक है, और a2 क्या होगा आपका a+d और a3 क्या होगा आपका a+2d, ये क्राइटेरिया होता है, तो सिंपल क्वेश्चन है आपका। इसमें देखो आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर आप प्रेजेंटेशन देखो, तो देखो ए गिवन है, डी गिवन है, तो फर्स्ट टर्म गिवन है आपको a1, तो यही हो गया आपका a, दैट इज 1/2, a2 क्या होगा a+d, अब a आपका क्या है 1/2 प्लस d आपका क्या -1/6, तो मैं इसको लिखू 1/2 - 1/6। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 6 आएगा, 2 3 = 6, 6 * 1 = 6, तो कितना आएगा 2/6, जिसको आप क्या लिखोगे 1/2। सेकेंड टर्म क्लियर, थर्ड टर्म पर आ जाओ, थर्ड टर्म क्या होगी आपकी a3, a3 किसके इक्वल होता है a+2d, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 1/2 प्लस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, -1/6, तो 2 3 = 6 होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस क्या होगा -1/3, 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा
सिक्स, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो कितना आएगा 1/6। ये क्लियर हो गया। तो अगर आप H3 देखो तो ये भी कितना आ रहा है आपका 1/6। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। रिक्वायर्ड 3 टर्म्स आर 1/2, 1/3 एंड 1/6। इज इट क्लियर? चले आगे, पार्ट टू। पार्ट टू में देखो आपको ए की वैल्यू गिवन है, वैल्यू ऑफ ए इज -5। वैल्यू ऑफ सी, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, ए और डी आपको डायरेक्ट। तो देखो कैन आई से दैट ए वन, देखो अगर इसको प्रॉपर वे में लिखोगे, अगर आप कॉमन डिफरेंस के साथ लिखो, तो ए वन का मतलब यही होता है ना, ए प्लस 0 डी, दैट्स वाई इट इज इक्वल टू ए। तो ये -5 हो गया आपका। ए टू क्या होता है, ए कम, तो ए प्लस डी, तो -5 प्लस डी की वैल्यू क्या है, -3, तो -8 होगा। ए थ्री क्या होगा, ए प्लस 2 डी, ए आपका -5 प्लस 2 इंटू -3, तो -5 -6, ये क्या होगा, -11। दीज आर द रिक्वायर्ड 3 टर्म्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है, पार्ट थ्री। ये रूट वाला एक बार आप लोग ट्राई करो। देखो किस तरह से आपने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ए आपको रूट के बता, डी आपको 1/√2, तो आपने ए वन, तो वही ए प्लस 0 डी, तो ए ही होगा आपका √2, राइट। फिर ए टू क्या होगा, ए प्लस डी। अब ए आपका कितना है, √2, प्लस डी आपका 1/√2। अगर √2 प्लस 1/√2 करते हो, तो देखो एलसीएम क्या आएगा आपका, √2। √2 × √2 क्या होगा, 2 + 1, तो मैं बोलूं 3/√2। फिर आपने निकाला होगा ए थ्री, क्या निकाला होगा, ए थ्री, तो ये होगा ए प्लस 2 डी। ए की वैल्यू आपकी क्या है, वैल्यू ऑफ ए इज √2 प्लस 2, वैल्यू ऑफ डी इज 1/√2। अगर मैं यहां से एलसीएम लेता हूं तो √2 ही आएगा, √2 × √2, दैट इज 2 + 2, तो ये होगा 4/√2। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी? ठीक है। हाँ जी, अगर हाँ रेशलाइज करोगे तो आप कर सकते हो आप भाई। ये हो गया 2 × 2 / √2, 2 इस 2 को आप लिखो √2 × √2 / √2, ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 2। आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं होगा, काम में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। फाइंड ए बी एंड सी सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी। आपको कहा जा रहा है ये नंबर एपी में है, अगर ये नंबर एपी में है तो मैं बोल सकता हूँ a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2 इक्वल टू a4 - a3 इक्वल टू a5 - a4। पहले आप ट्राई करो, मुझे बताओ क्या वैल्यूज आ रही है आपकी ए बी और सी। अब देखो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। पहले तो क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि a7 b23 से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो यही होगा ना, a2 - a1 इट विल बी इक्वल टू a3 - a2 इट विल बी इक्वल टू, इस तरह से इक्वल होगा भाई। नॉर्मल वे में आप ये समझो, अगर मैं इससे इसको माइनस करता हूँ और अगर मैं इस टर्म से इसको माइनस करता हूँ और एक्सेडिंग टर्म से अगर मैं प्रीवियस टर्म को माइनस करता हूँ, तो ये सारी चीजें इक्वली तो होनी चाहिए। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो अगर देखो 7 माइनस है इसके इक्वल है, ये फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हमने क्या कहा 7 माइनस है, राइट। फिर आपने कहा इट इज इक्वल टू b - 7, होगा इसके इक्वल, सभी का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इसी तरह से अगर मैं कहूँ 23 - b, तो ये भी इक्वल होगा। इसी तरह से अगर मैं कहूँ c - 23, ये भी इक्वल होगा। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यहाँ पर, इन दोनों ही टर्म्स में b है, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो b की वैल्यू मिल जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा, इन दोनों ही टर्म्स में बी है, तो फ्रॉम, ये फर्स्ट टर्म है, पहले तो क्लियर कर दूंगा, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड टर्म मैं इन दोनों की बात कर, ये और ये, और क्यों कर रहा हूँ उसका लॉजिक भी बता रहा हूँ कि दोनों ही टर्म्स में बी है, अगर इक्वेट करूंगा बी की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी बी की। तो आपने कहा b - 7 = 23 - b। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हाट यू विल हैव, ये हो जाएगा देखो -b, यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा b + b, -7 जब यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 23 + 7, b + b क्या हो जाएगा 2b, 23 + 7 क्या हो जाएगा 30, तो
कैन से दैट टू बी इक्वल टू 30, तो बी आपका कितना हो गया 30/2 दैट इज 50। पहले बताओ इतनी बात क्लियर, तो मैं लिखूं बी इक्वल टू 50, एक वैल्यू तो मिल गई आपको, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड टर्म को इक्वेट किया। फर्स्ट और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, ये फर्स्ट टर्म में मैं बार बार कह रहा हूं, ये एरर हो गया है। फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, 7 - 8, आपने फर्स्ट के साथ सेकंड को इक्वेट किया, इक्वल टू क्या हो गया, b - 7। तो क्या ये चीज समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो जब आप इसको इक्वेट करोगे, आपने क्या कहा, 7 - a फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकंड टर्म। अब b की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, तो अगर मैं यहाँ b की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 15 - 7 होगा। 15 - 7 का मतलब क्या हो गया, 8। तो 7 - a इक्वल टू हो गया 8। -a को आप यहाँ शिफ्ट कर दो, 8 को आप यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 7 - 8 इक्वल टू ए। तो कहने से दैट ए इक्वल टू -1। अब ए हो गया -1, बी हो गया 15, ए आपका हो गया -1, बी आपका हो गया 15। अब हम इक्वेट कर रहे हैं थर्ड और फोर्थ टर्म को, इसको इक्वेट कर रहे हैं थर्ड और फोर्थ टर्म को। अब थर्ड और फोर्थ टर्म है क्या, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। थर्ड टर्म जो है आपकी वो है 23 - b, आप इसको इक्वेट कर रहे हो फोर्थ टर्म के साथ, दैट इज c - 23। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो जब आप थर्ड और फोर्थ टर्म को इक्वेट करोगे तो देखो वैल्यू ऑफ बी क्या है आपका, 15। तो क्या मैं यहाँ बी की जगह 15 पुट कर सकता हूँ, तो बचा क्या वेरिएबल सी, वो आपका आ जाएगा। 23 - 15 करोगे यू विल हैव 8 इक्वल टू c - 23। क्यों 15 लिखा, बिकॉज b इज इक्वल टू 15, तो b की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। अब देखो ये -23 जब यहाँ शिफ्ट होगा तो इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी ना, c इक्वल टू 8 + 23, तो 8 + 23 क्या हो गया, 31। तो आपको ए बी सी ही फाइंड करना था, आपको ए बी सी फाइंड करना था, वो आपका हो गया। क्लियर हुआ क्वेश्चन? हाँ जी, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आई थिंक ये ज्यादा बेटर है आपका क्राइटेरिया, अगर आपको वैसे भी हो रहा है तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। और कोई क्वेश्चन किसी का, चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिटरमाइन द एपी हुज फिफ्थ टर्म इज 90। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपको ए 5 गिवन है 90, ये क्लियर, एंड द डिफरेंस ऑफ द 8 फ्रॉम द 13 टर्म, फ्रॉम वाले को पहले लिखोगे, कैन आई से दैट ए 13 - a 8 इक्वल टू 20। भाई दो कंडीशन गिवन है, दो इक्वेशन आ जाएगी, दो इक्वेशन से ए और डी निकाल दोगे, ए और डी से आपका एपी बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं आपको? तो कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर 5 को, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये चीज समझ में आ रही है, ए 5 आपका 19 के इक्वल है। अभी आप पूछ रहे थे ए 5 को क्या लिखोगे आप, ए प्लस 4d, ए कब, ए प्लस 4d, ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी आपकी, ए प्लस 4d इक्वल टू 19, ये क्लियर है फर्स्ट इक्वेशन। फिर आपको कहा गया कि अगर आप 8 टर्म को 13 टर्म से, देखो ये वाली इक्वेशन, ये वाला कि एंड द डिफरेंस ऑफ 8 टर्म फ्रॉम द 13 टर्म, यानी कि ए 13 - a 8, ये किसके इक्वल है, ये 20 के इक्वल, ये किसके इक्वल है आपका, ये 20 के इक्वल है। तो a 13 - a 8 इट इज इक्वल टू 20, ये क्लियर हो गया। a 13, आप 13 है तो क्या लिखोगे, a + 12, a कब, बिकॉज an इक्वल टू क्या होता है, a + n - 1 × d। ऐसे अगर 8 है तो क्या लिखोगे, a + 7 d, और ये किसके इक्वल हो गया, 20। ये समझ में आ रहा है, देखो a और a, तो इसको ओपन अप करोगे तो a + 12 t - a + - -7 d इक्वल टू 20। तो कैन आई से दैट प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 12 d - 7 d करोगे तो 5 d हो जाएगा, तो d आपका आ गया 4, d आपका क्या आ गया 4, तो आपका d आ गया 4। अब d 4 आ गया, आपने उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, a + 4 d इक्वल टू 9 d। तो d की जगह जब आप 4 पुट करोगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, a + 4 × 4 इक्वल टू 19। तो वैल्यू ऑफ a जो होगी आपकी, वो आपकी आ जाएगी 3। अब देखो आपके पास ए भी आ गया, डी भी आ गया, ए आपका क्या है 3 और डी आपका 4 है, तो रिक्वायर्ड एपी क्या होगी, ए आपका क्या है 3, डी आपका क्या आ गया 4, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तो बहुत ही इजीली अब आप अपनी एपी लिख सकते हो,
बिकॉज फर्स्ट थ्री टर्म्स एपी की क्या होती है, ए, सेकंड टर्म क्या होती है, ए प्लस सी, और थर्ड टर्म क्या होती है, ए प्लस टू डी। ए आपका क्या है, थ्री, ये क्लियर। ए प्लस डी, थ्री प्लस फोर, ए प्लस टू डी, इन प्लेस ऑफ डी वी विल पुट फोर, ये भी क्लियर। तो फर्स्ट टर्म होगी थ्री, सेकंड टर्म होगी सेवन, और फोर टू जा एट प्लस थ्री क्या होगा, इलेवन, ये क्लियर हो गया। 13 भैया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स एक बार आप लोग ट्राई करो पहले से, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो। क्वेश्चन है आपका था 26, 11th एंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब मैं बोल सकता हूँ ए एन ऑफ एन एपीआर 0, 3 एंड -1/5। तो आपको ये कहा जा रहा है बेसिकली कि जो आपकी 26 टर्म है, ए 26, ये तो 0 है। 11th टर्म का मतलब जो ए 11 है, ये आपका 3 है। और लास्ट टर्म का मतलब जो ए एन है, वो आपका कितना है, -1/5। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, एक आपको डी फाइंड करना है, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एक आपको एन की वैल्यू फाइंड करना है। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब देखो आप, पहले क्या आपको ये चीज समझ में आ गई कि 26 टर्म 0 है, 11 टर्म आपकी 3। आप देखो अगर ए 26, तो एक कम कर दो तो ए प्लस 25 डी किसके इक्वल होगा, 0 के, ये क्लियर हो गया। एक ही क्वेश्चन तो ये बन, ए 11 का मतलब क्या, ए प्लस 10 डी, ये 3 के इक्वल है। दो इक्वेशन, अगर मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, तो आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, ये क्लियर हो गया। तो आपने कहा सॉल्विंग वन एंड टू, ए एन को हम साइड में लिख लेते हैं, -1/5 के, ये क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब ए एन जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज ए प्लस 25 टी इक्वल टू 0, ये क्लियर। ए प्लस 10 टी इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन। प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का क्या होगा माइनस, और प्लस का क्या होगा माइनस, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 25 टी माइनस 10 टी क्या होगा, 15 टी, 0 - 3 क्या होगा, -3। तो कहने से दैट डी इज इक्वल टू -3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के, क्या होगा डिवाइड, तो डी विल बी इक्वल टू -1/5। तो डी आपका कितना आ गया, -1/5। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, डी हमारा कितना आ गया, -1/5, यही आपको फाइंड करना था। एक आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, एन, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, पुट डी इक्वल टू, ये जो डी की वैल्यू आई है आपकी, वी विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, नॉट इक वन टू में, क्योंकि टू में ज्यादा ईजी रहेगा, ऐसे किसी में पुट करो आपको पता आंसर आ जाएगा। ए प्लस 10, अब डी की जगह आपने क्या पुट कर दिया, -1/5, तो डी की जगह आपका -1/5, तो 5 2 10, 5 2 क्या हो जाएगा, 10। तो कहने से दैट ए -2 इक्वल टू 3 होगा, -2 को यहाँ शिफ्ट करोगे तो ए क्या हो जाएगा, 5। तो क्या ये समझ में आ गया, ए आपका 5 है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ए आपका कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपको एन की वैल्यू फाइंड करना है। हाँ जी, हाँ जी, ये दिया तो हुआ भाई, 26 टर्म जो है आपकी 0 के इक्वल है, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, सेकंड के साथ सेकंड, और थर्ड के साथ थर्ड, ये क्लियर हो गया, ठीक है। कोई नहीं, हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, आपका जो ए एन है वो किसके इक्वल है, -1/5 के इक्वल है। अब ए एन का मतलब क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी, इन प्लेस ऑफ ए वी विल पुट 5, इन प्लेस ऑफ डी वी विल पुट -1/5, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -1/5। यहां तक कोई डाउट, अब ध्यान से देखिए, कैन आई से दैट 5, देखो बेसिकली ये है क्या, 5 प्लस माइनस, प्लस माइनस ये -1/5 है ना, और इनटू में क्या है, एन -1 इक्वल टू -1/5, ये समझ में आ रहा है। तो देखो 5, ये 5 हो गया, -1/5 को एन के साथ करोगे तो होगा -n/5, और माइनस माइनस करोगे तो +1/5, और इक्वल टू में क्या हो गया, -1/5, ये चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है तक, ठीक है। अब देखो -n/5 को अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं, तो ये n/5 हो जाएगा, और -1/5 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूं, तो ये +1/5, तो क्या हो गया, 5 +1/5,
प्लस वन बाय फाइव इक्वल टू एन बाय फाइव, ये क्लियर है सारी चीजें। चलो मैं आगे, ठीक है। अब देखो व्हाट वी विल हैव, यहां से आप एलसीएम लोगे, फाइव ही आएगा ना, फाइव इंटू फाइव 25, फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा वन, फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा वन इक्वल टू एन बाय फाइव, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ के, मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली एन की वैल्यू क्या होगी 25 प्लस वन 27, और दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 52। आपको ये कहा जा रहा है भाई ए फाइव प्लस ए सेवन ये किसके इक्वल है 52 के, ये क्लियर। एक इक्वेशन यहां से बनेगी, ए फाइव को आप क्या लिखोगे ए प्लस 4d, ए सेवन को आप क्या लिखोगे ए प्लस 60 इक्वल, यहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, पहले बताओ ये क्लियर है। फिर आपको ये कहा जा रहा है जो टेंथ टर्म है वो 46 के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया ए प्लस 9d इक्वल टू 46। एक इक्वेशन ए और डी की यहां से, एक यहां से, दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा ए और डी, उससे आप ए बी बना दोगे। कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवन टर्म किसके इक्वल 52, तो फिफ्थ टर्म का मतलब क्या ए प्लस 4d, सेवन टर्म का मतलब क्या ए प्लस 60 इक्वल टू 52, ये क्लियर है। ए प्लस ए कितना ए हो गया 2a, 4d प्लस 60 कितना d हो गया 10d इक्वल टू क्या हो गया 52। अब देखो क्या मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं, बिकॉज 10 का मतलब 2 इंटू 5 ही तो हो गया, जैसे आप 2 कॉमन हो गए विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू क्या होगा 52, बिकॉज 2 को तो आपने कॉमन ले लिया, ये क्लियर है, ठीक है। अब इस 2 से अगर 52 को मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा 2 2 जा 4 2 6 जा 12, तो फर्स्ट इक्वेशन क्लियर, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई आपकी ए प्लस 5d इक्वल टू 26, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। चले आगे, फिर आपको क्वेश्चन में कहा गया कि जो टेंथ टर्म है इट इज इक्वल टू 46, तो टेंथ का मतलब ए प्लस 9d इक्वल टू 46। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है ए प्लस 5d इक्वल टू 46, सेकेंड इक्वेशन क्या है ए प्लस 9d इक्वल टू 46, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, फिर प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 90 प्लस 5d क्या होगा माइनस 4d, माइनस 46 प्लस 26 क्या होगा माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 4d इक्वल टू अगर 20 आता है तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ये हो गया क्लियर। अब d को अगर मैं यहां पुट करता हूं, ध्यान से देखना, तो कहने से दैट a प्लस 5d की जगह 5 रखो इक्वल टू 26, तो a इक्वल टू क्या होगा 26, ये 25 है, राइट हैंड साइड में जाके क्या होगा माइनस, तो ए आपका क्या हो गया वन, ए वन डी फाइव, पहले बताओ ये क्लियर, ए आपका क्या होगा वन और डी फाइव, तो रिक्वायर्ड एपी क्या होगा फर्स्ट टर्म ए, ए वन है और डी फाइव है, फर्स्ट टर्म क्या होगी ए दैट इज वन, ए प्लस डी वन प्लस फाइव, ये क्लियर, ए प्लस 2d वन प्लस 2 इंटू डी, डी की जगह क्या होगा 5, तो 10 प्लस 1 11 6 1, दिस इज द रिक्वायर्ड एपी 1611, क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी, ये आपको फाइंड करनी है, यानी कि आपको फाइंड क्या करना है ए 20, कहने से दैट ए 20 का मतलब ए प्लस 19d, ये फाइंड करना है मुझे, पहले बताओ हू सेवन टर्म इज 24 लेस देन इट्स 11th टर्म, जिसकी जो सेवन टर्म है वो इसकी 11 टर्म से कितनी कम है 24, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसकी जो 7 टर्म है वो 11 टर्म से कितनी कम है 24, तो ए 7 इक्वल टू ए 11 माइनस 24 ही होगा ना, ये समझ में आ रहा है। फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 12, तो ए की वैल्यू 12 है, करना जरा ट्राई, ए 20 क्या आ रहा है मुझे बताओ, क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ोगे तो पहले तो ये चीज क्लियर होगी ना आपको कि जो 7 टर्म है वो 11 टर्म से कितनी कम है 24, तो 7 टर्म को आप क्या लिखोगे ए प्लस 60, 11 टर्म को आप क्या लिखोगे ए प्लस 20 माइनस 24, इज इट क्लियर, ए से कैंसिल कर सकता हूँ बिकॉज यहाँ के माइनस यही होगा, ये क्लियर है। 60 प्लस 20 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो क्या होगा माइनस 20, ये क्लियर, इक्वल टू माइनस 24, तो ये माइनस 40 इक्वल टू माइनस 24,
माइनस फोर डी इक्वल टू माइनस 24, तो डी इक्वल टू क्या माइनस 24 बाय माइनस 4, ये कैंसिल हो जाएगा और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो ये हम लिख लेते हैं, डी हमारा आ गया 6, ये क्लियर है। इसके अलावा आपको क्या, आपको फाइंड क्या करना था, 20th टर्म, और क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 12, तो 20th टर्म का मतलब ए प्लस 19 डी, वैल्यू ऑफ ए क्या होगी 12 प्लस 19, और डी की जगह क्या हो जाएगा 6, तो 96 है 114, इसको ऐड करोगे तो ए 20 कितना हो जाएगा 126, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इफ द नाइन टर्म ऑफ एन एपी जीरो, तो नाइन टर्म का मतलब ए 9 आपका जीरो है, प्रूव दैट इज 29 टर्म इज ट्वाइस इट्स 19 टर्म, आपको टू प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है ए 29 जो है वो ट्वाइस ऑफ ए 19 है, पहले भैया आप ही ट्राई करो, करो, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे इस क्वेश्चन में आप आगे बढ़ोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ए 9 किसके इक्वल है, जीरो, तो इसका मतलब क्या कि ए प्लस ए डी इक्वल टू जीरो, प्लस ए डी इक्वल टू जाके क्या हो जाएगा माइनस ए डी, तो कहना है से दैट जो आपका ए है वो माइनस ए डी हो गया, इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ए इज इक्वल टू माइनस ए डी। अब आपको ये प्रूव करना था जो 29 टर्म है वो 19 टर्म का डबल है, तो 19 टर्म का मतलब ए 19, तो अब अगर मैं ए 19 की वैल्यू निकालता हूँ तो यही होगी ना ए प्लस 18 डी, इन प्लेस ऑफ ए की जगह आप क्या पुट करोगे माइनस 18, प्लस क्या हो गया 18 डी, 18 डी में से माइनस 18 करोगे तो 10 डी आएगा, तो आपके पास ए 19 आ गया 10 डी। अब एक बात बताओ, अगर ये 29 टर्म इसका डबल है तो उसकी वैल्यू भी 20 डी नहीं आनी चाहिए, डबल का मतलब तो यही हुआ, ये समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब आपने फाइंड किया ए 29, अब आपने क्या फाइंड किया ए 29, ए 29 का मतलब क्या, ए 29 का मतलब ए प्लस 28 डी, ए की वैल्यू क्या आई है आपकी माइनस 8 डी, ये क्लियर, प्लस 28 डी, 28 में से अगर मैं 8 डी माइनस करता हूँ 20 डी, तो आ रहा है ना इसका डबल, आइडियली आप इसको कैसे ले सकते हो, क्या मैं 20 डी को ले सकता हूँ 2 × 10 डी लिख सकता हूँ, और 10 डी जो है वो किसकी वैल्यू है ए 19 डी, तो 10 डी की जगह ए 19, यही तो प्रूफ करना था कि जो 29 टर्म है वो 19 टर्म का क्या है ट्वाइस, अब क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे करना था, हो गया क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ द एपी, मैंने इसके लिए सिंपल सा क्राइटेरिया बताया भैया, अगर एन नेचुरल नंबर को बिलोंग करता तो यस, और जिसको भी पूछा जाता उसको हम क्या मानते हैं कि लेट ए एन इज इक्वल टू 55 टर्म ऑफ गिवन एपी, यानी कि अन टर्म ऑफ द गिवन एपी भी 55, और ए एन का मतलब क्या ए प्लस एन माइनस 1 × डी इक्वल टू 55, ये बात समझ में आ रही है, ए आपका क्या होगा 7, डी आपका क्या होगा 10 − 7 = 3 होगा, अगर मैं एक ही जगह 7 पुट करता हूं तो ये होगा 7 + n − 1, इन प्लेस ऑफ डी आप 3 पुट कर दो तो इक्वल टू क्या होगा 55, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है तक? प्लस 7 को यहां लेके जाओ तो 3 विद इन ब्रैकेट n माइनस 1, 55 − 7 क्या आएगा, 3 में से 7 क्या 48 आएगा, ये क्लियर हो गया, 15 में 7 क्या 8 ही हो गया 48। अब ये बताओ क्या 48 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 8 + 4 = 12 होता है, तो मैं कह सकता हूँ एन माइनस 1 इक्वल टू 48/3, 3 × 3 और एन की वैल्यू 17, 17 एक नेचुरल नंबर होता है, तो आप कहोगे यस 55 इज द टर्म ऑफ गिवन एपी, कौन सी टर्म होगी 17th टर्म, फाइंड विच टर्म इट इज, आप क्या कहोगे 17th टर्म, समझ में आ गया, अगर यस तो कौन सी टर्म होगी 17th टर्म, तो क्या आपको ये क्लियर हो गया, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या होगा कि जो भी आपको फाइंड करना आपका होगा लेट ए एन इक्वल टू 55, ए आपका 7 है डी आपका 3 है, आपने इसको सॉल्व किया तो एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 17, इज इट क्लियर? ठीक है,